अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों 4 सितंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हैचिंग शुरू हो चुकी है और मैंने सोचा कि इस वक्त ही इस टाइम ही एक वीडियो बना ली जाए। अब ये इस मुर्गी ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के 2 चिक्स इसने निकाल ली हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये है और एक वहाँ पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। 2 चूज़े अब तक के आ चुके हैं और बाकी अंडों से भी इंशाल्लाह ताला ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखिए ये अंडा यहाँ से ये सांस ले रहा है बच्चा, इसलिए इस तरह से हो रहा है। ये देखें ये हैच हो रहा है इंशाल्लाह। ये बच्चा भी अभी ये कुछ घंटों में बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये देखें, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये ब्लैक मुर्गी का अंडा है और वो भी ब्लैक मुर्गी का अंडा था, ठीक। सो इसका देखें, ये अभी तक कोई चिक तो नहीं निकला लेकिन ये क्रैक्स आ गए हैं। ये क्रैक का मतलब है कि बस चिक अभी कुछ घंटों में बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा अंडा है देखें, अच्छा ये अंडे इसके अपने हैं, ठीक है। इस पे ही क्रैक अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें इस पे लिखा हुआ है जागीरी, क्योंकि ये जागीरी नस्ल में से है मुर्गी, तो जावे बच्चे होते हैं इसके तकरीबन, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये होंगे। देखें ये भी क्रैक हो गया है। आपने दुआ करना है, अब मैं ज़्यादा अंडों को इसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ, ये बैठी हुई हैं और small we
दोस्तों ये गर्मी की वजह से इसके ये देखें नाक से खून आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। एक चूज़ा इसका निकला है, एक चूज़ा और पांच चूज़े इसके निकले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज डे 20 मॉर्निंग है और मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो ये दिखाना है कि इस मुर्गी के नीचे आप जानते हैं कि मैंने 8 अंडे रखे थे जिसमें से इसने 7 बच्चे निकाले हैं उसमें से, ठीक है। 7 बच्चे इसने निकाले थे और एक अंडा इसका रह गया था जो अभी तक जो है वो हैच नहीं हुआ, ठीक है। वो अंडा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बच्चे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस मुर्गे के नीचे भी मैंने 8 अंडे रखे थे जिसमें से 6 अंडे हैच हुए हैं और 2 एग्स इसके रह गए थे जिसमें से एक ये लग रहा है कि आ जाएगा, ठीक है। सो 2 का कंफर्म नहीं है क्योंकि अब डेज तो पूरे होने वाले हैं लेकिन वो अभी तक बिल्कुल भी उसमें कोई क्रैक नहीं आया है। उन 2 अंडों का मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन है सब मालिक के हाथ में। अब इसका एक अंडा और इसके 2 अंडे मैंने एक साथ रख दिए हैं, ठीक है। इसके अंडे निकाल दिए हैं और इसके बच्चे निकाल के मैंने इस मुर्गी के साथ कर दिए हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि बस ये एक ही मुर्गी को मैंने सारे बच्चे देने और अभी इसको मैं अपने ब्रूडर केज में जो है वो शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को निकले हुए आज पूरे 24 घंटों से ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको पहला मीठा पानी पिलाकर और इनको मैं केज में शिफ्ट करने वाला हूँ। वैक्सीन भी मैं इनकी फर्स्ट जो है वो अभी कर दूंगा। अब इसके 3 अंडे इसके नीचे हैं, ये बहुत गुस्से में है अभी, इसके बच्चे मैंने लिए हैं इससे लेकिन वो एक माँ से लेके दूसरी माँ को दे दी हैं, लेकिन इससे लेने ज़रूरी थे, अब एक जगह ही पलेंगे बच्चे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।